नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन सपोर्ट में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो हमारा कक्षा 10 का साइंस का सिलेबस है उसके बारे में, ठीक है। जो NCERT का इस बार नया सिलेबस आया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, कक्षा 10 का जो सिलेबस था या 12 का था वो 2020 में भी चेंज हुआ था। इसमें दिया गया है हमारा ऑफिशियल वेबसाइट से, हमने इसको डाउनलोड किया है। अगर आप लोग भी डाउनलोड इसको करना चाहें तो हम इसके वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें लिखा गया है COVID-19 महामारी को देखते हुए विद्यार्थियों के ऊपर से पाठ्यक्रम का बोझ कम करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक नजरिए से अनुभवात्मक अधिगम के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने सभी कक्षाओं में पाठ्य पुस्तकों को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। इस प्रक्रिया में, ये आपके NCERT का हिंदी में लिखा है ना, द्वारा पहले से ही विकसित कक्षा और सीखने के प्रतिबंधों को ध्यान में रखा गया है, ठीक। हम देखेंगे इसमें जो सिलेबस किया गया है, साइंस का सिलेबस देखेंगे, ठीक। चलिए देख लेते हैं, तुम्हारा मैथ का था, हम पिछले वीडियो में मैथ का डिस्कस कर चुके हैं, अब हम देखेंगे साइंस का। देखिए, आपका विज्ञान का सिलेबस है, इसमें सबसे पहले जो आपका अध्याय 5 है इसमें क्या हटाया गया है, संपूर्ण अध्याय आपका हटा दिया गया है। अध्याय 5 में संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया है, ठीक। अब देखते हैं इसके बाद और इसमें क्या हटाया गया है, एक तो ये हटा दिया गया संपूर्ण अध्याय। उसके बाद देखते हैं अनुवांशिकता, क्या देखेंगे अनुवांशिकता में क्या क्या हटाया गया है। तो ये देखिए, आपका अनुवांशिकता चैप्टर है, इसमें हटाया गया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, जीवाश्म एक के बाद एक परत कैसे बनाते हैं, आणविक जातिवृत्त विकास, एक दृष्टांत, उपार्जित एवं अनुवांशिक लक्षण, जाति उद्भव, विकास एवं वर्गीकरण, विकास से संबंध खोजना, जीवाश्म, विकास के चरण, विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। ये सारे हमारे हटा दिए गए हैं जो हमारे चैप्टर 9 है उसमें से, अनुवांशिकता में से, ठीक है। अगला देखते हैं इसमें, और इसका नाम बदल कर दिया गया है अनुवांशिकता कर दिया गया, अनुवांशिकता एवं जैव विकास का नाम बदल कर दिया गया है अनुवांशिकता, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, हमारा जो 11 नंबर चैप्टर आ जाता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, इसमें देखिए कौन कौन से हटाए गई हैं चीज़ें, इसमें आपके पेज नंबर 208, 209 और 218 से जो हटाए गए हैं, दृष्टि तंत्र के किसी भाग के क्षतिग्रस्त होना ये हटाया गया है, दृष्टि के लिए हमारे दो नेत्र क्यों हैं, केवल एक ही क्यों नहीं, ये हटाया गया है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है ये हटाया गया है, कौन से चैप्टर से, चैप्टर नंबर 11 से। अब चैप्टर नंबर 12 की बात कर ले, देखते हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 12 है विद्युत, विद्युत से हटाया गया है तार के भीतर आवेशों का प्रवाह, ये हटा दिया गया है। उसका चैप्टर नंबर जो हमारा 13 है इसमें हटाया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तो इसमें क्या आपका हटाया गया है मैकाले फैराडे, विद्युत मोटर, चुंबकीय विद्युत प्रेरणा, विद्युत जनित्र, इन चैप्टरों को हटा दिया गया है इस बार, ठीक। अब चैप्टर नंबर 14 में देखिए क्या हटाया गया है, चैप्टर नंबर 14 जो आपका है ऊर्जा के स्रोत, इसमें से हटाया गया संपूर्ण अध्याय, और फिर चैप्टर नंबर जो आपका 16 आ जाता है वो भी हटा दिया गया है संपूर्ण अध्याय, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन ये भी पूरा हटा दिया गया है। तो इस प्रकार ये विज्ञान का सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाता है, इसमें सिर्फ वही चैप्टर दिए गए हैं जिसमें से कुछ ना कुछ हटाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसको आसानी से। ये आपका जो सिलेबस है वो गवर्नमेंट द्वारा सिलेबस दिया गया है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, 100% आपका अप्रूवल सिलेबस है, ठीक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।